देवरिया लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह के द्वारा फाजिलनगर विधानसभा के दर्जनों गांव में नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को संबोधित किया गया। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने 10 साल की सरकार में सिर्फ लोगों को ठगा है, इसलिए इस बार भाजपा को भगाना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हर गरीब महिलाओं के खाते में प्रति माह 8,500 और सालाना 1,00,000 रुपये मिलेगा। कांग्रेस की सरकार बनते ही युवाओं को रोजगार, महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी। इस बार पूरे देश में परिवर्तन की लहर है, भाजपा को दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही, इसलिए अपना वोट इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को देकर विजयी बनाएं। इस दौरान सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय गुप्ता, कांग्रेस पीसी सदस्य नागेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, पलटन यादव, विजय यादव आदि लोग मौजूद रहे। समझता हिंदुस्तान दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हो गए जिनके राजकाल में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का ताला बंद हुआ। अब बता लीजिए, जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का ताला बंद हुआ तो समझ जाए छोट मोट बिजनेस का क्या हाल हुई। जो बिजनेस करता है उनका हाल पूछिए, आप लोग जानते हैं। लड़कन के अगर तनिको अच्छी शिक्षा लेवे होके इंटर के बाद तो कौन निम्न कॉलेज बा, यहाँ मेडिकल कॉलेज बा, इंजीनियरिंग कॉलेज बा, बिजनेस मैनेजमेंट का कॉलेज बा, ये एग्रीकल्चर कॉलेज बा, कुछ पढ़े हुए कौन ला कॉलेज बा, कोनो अच्छी शिक्षा लेवे होके तो लड़कन के दोरिया खुशी लड़के लड़कन के लखनऊ, इलाहाबाद या बंगलोर या कलकत्ता, बम्बई यहाँ जाए पड़े। क्या जाने भेज पाई है कितरो तेज लड़का रहे, माई बाप कमजोर पड़ा, क्या करी मार मार के चलो यही कहीं से दिए कर लो, चलो भाई चल। मतलब ये रहा कि यहाँ के लोगों को 10 साल में ऐसी शिक्षा व्यवस्था भी नहीं बीजेपी दे पाई कि जो अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सके। सबका जीवन अंधकार में कर दिया। वो चाहते नहीं कि वो अच्छा शिक्षा पाए, क्योंकि जैसे भी अच्छी शिक्षा पा जाएगा वो मोदी जी से या बीजेपी से सवाल करने लगेगा, वो बात करने लगेगा, वो दिमाग लगाने लगेगा। उनके गरीब चाहिए जो दिन भर अपने समस्या में बिजी रहे, अपने शाम तक की रोजी रोटी की चिंता में परेशान रहे, तो सरकार के क्या बात करी, वो कभी फुर्सतें नहीं रही कि शादी का कमाई कहा लेके घर जाए, कहा बच्चन परिवार के खियाई, यही वो जीवन बीती जाए। तो वो लोग बीजेपी वाले यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 50-60% लोग इसी तरह कराए और उनको कुछ देते रहे और वो लोग मोदी जी को वोट देते रहे।